नमस्कार दोस्तों, मैं विकास गौतम आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं तहे दिल से विकास कुमार एसजी यूट्यूब चैनल पर। आज दोस्तों बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। सेकंड ग्रेड की जो वैकेंसी है 2021 में आने वाली है, आपको पता होगा दोस्तों। और अभी एक सरकार के मंत्री ने घोषणा करके कहा भी था कि कुछ वैकेंसीज, लगभग 30,000 वैकेंसीज के बारे में बात की, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड एंड कंप्यूटर शिक्षक की जो है भर्तियां वो आने वाली। अभी हालांकि पोस्टों का बंटवारा नहीं है कि किसकी कितनी आएगी, पर ये श्योर है दोस्तों कि सेकंड ग्रेड की वैकेंसी आपको अक्टूबर माह के लास्ट में या फिर दीपावली के चंद दिनों बाद देखने को मिल सकती है। तो इसी पर्पज के साथ, इसी उद्देश्य के साथ आज मैंने सेकंड ग्रेड का वीडियो बनाया, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी इस भ्रांति में है दोस्तों कि सेकंड ग्रेड की प्रिपरेशन किस प्रकार से हम चालू करें, क्या इसके पेपर के मायने रहेंगे और क्या इस पेपर का जो पैमाना है, कितने सारे क्वेश्चन जो है वो सेकंड ग्रेड में आते हैं, किस प्रकार इस पेपर का पैटर्न रहता है। दोस्तों उसी के बारे में बात करने के मैंने ये वीडियो बनाया है। और इस पूरे वीडियो को आप दोस्तों जरूर ध्यान से देखिएगा, बिकॉज इस वीडियो को अगर आप स्किप करेंगे तो बिल्कुल समझ भी नहीं आएगा। और अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो मैं वादा करता हूं कि आपको सेकंड ग्रेड से संबंधित पैटर्न समझने में, पेपर का पैटर्न समझने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। तो दोस्तों सेकंड ग्रेड 2021 की अगर हम बात चालू करें तो दोस्तों इसमें अगर हम पेपर पैटर्न की बात करें तो दोस्तों इसमें दो पेपर होते हैं। कितने पेपर होते हैं? दो पेपर होते हैं। एक तो फर्स्ट पेपर होता है जो सबके लिए कॉमन होता है दोस्तों, फर्स्ट पेपर, ठीक है, और एक आपका होता है सेकंड पेपर। ध्यान से सुनिएगा, सारे वीडियो को अपन बिल्कुल ढंग से डिस्कस करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। मैं जो है इसी एजुकेशन फील्ड से पिछले 8-10 सालों से जुड़ा हुआ हूँ दोस्तों, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरा जो अनुभव है, मेरा जो एक्सपीरियंस है, उसका लाभ आपको भी मिले और आपको एक प्रॉपर ढंग से तैयारी करने का मौका मिले। देखिए सेकंड पेपर जो होगा दोस्तों ये सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा। किससे रिलेटेड होगा? सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा। और जो फर्स्ट पेपर है वो रिलेटेड होगा दोस्तों जीके से। अब हमारे दिमाग में एक बात आती है कि सर ये चीज तो हमें समझ में आ गई कि फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर होंगे, एक पेपर सब्जेक्ट का है सेकंड वाला और फर्स्ट पेपर जो है वो जीके का है, लेकिन इस सेकंड ग्रेड के जो 2021 में जो वैकेंसी निकलने वाली है इसमें क्वेश्चंस की संख्या कितनी रहती है, तो मैं आपको इसके बारे में भी क्लियर कर देता हूं दोस्तों। सेकंड ग्रेड का जो पेपर होगा आपका, जो अब तक पेपर हुए हैं उनमें क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों 250, ठीक है। कितने क्वेश्चंस आते हैं? 250 प्रश्न जो है क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं, जिनके जो अंक होते हैं दोस्तों वो होते हैं 500 अंक, यानी 250 क्वेश्चन 500 अंकों में बटे होते हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी बात जो है वो ये है दोस्तों कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है, और नेगेटिव मार्किंग है 1/3, ठीक है, यानी 1/3 जो है वो आपके नेगेटिव मार्किंग इसमें रहेगी। इस बात का बड़ा आपको ध्यान रखना है। देखिए दोस्तों क्या होता है, नेगेटिव मार्किंग जब 1/4 रहती है तो स्टूडेंटों के इससे बचने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, कहने का मतलब इसमें गलतियां बहुत कम होती है। लेकिन जब 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है दोस्तों, यानी 1/3 नेगेटिव मार्किंग, तो इसमें स्टूडेंटों को बहुत संभल संभल कर, बहुत फूंक फूंक कर कदम रखना होता है पूरे पेपर में। अब मैं आपको, कुछ विद्यार्थियों को शायद पता नहीं होगा कि नेगेटिव मार्किंग 1/3 कैसे काउंट होती है, तो मैं उनको बता दूं आपको दोस्तों। जैसे आपने एक क्वेश्चन सही किया, दूसरा क्वेश्चन सही किया, तीसरा क्वेश्चन सही किया, लेकिन उसके बाद में आपने चौथा, पांचवा और छठा तीन क्वेश्चन गलत कर दिए, ठीक है, तो ये तीन 1/3 नेगेटिव मार्किंग का मतलब है कि ये तीन क्वेश्चन तो आपके गलत माने ही जाएंगे, लेकिन इन तीन के गलत होते ही एक सही क्वेश्चन भी आपका क्या मान लिया जाएगा? गलत मान लिया जाएगा। यानी कहने का मतलब जब आपकी मार्किंग होगी, नंबर काउंटिंग होंगे, तो तीन गलत नहीं माने जाएंगे, आपके कुल मिला के 4 क्वेश्चन गलत होंगे। इसका मतलब आपको 3 क्वेश्चन आपने गलत किए थे, लेकिन आपको नुकसान जो है वो 4 क्वेश्चन का हो गया। ऐसे अगले आप 3 क्वेश्चन गलत करेंगे तो एक नंबर, एक सही क्वेश्चन जो है उसका नंबर भी आपका कट जाएगा। तो बहुत ही जबरदस्त ये नेगेटिव मार्किंग इन्होंने रखी है, शुरू से इन्होंने 1/3 मार्किंग ये रखते हैं दोस्तों, तो इसका बड़ा ध्यान रखना है आपको। उसके बाद में हम आगे चलते हैं, एक तो आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी 1/3, इसके अलावा 250 क्वेश्चन दोनों पेपरों की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों को मिला के 250 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें आपके 500 अंकों का एक क्राइटेरिया होता है, ठीक है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों फर्स्ट पेपर की। किसकी बात करेंगे? फर्स्ट पेपर की बात करेंगे। तो फर्स्ट पेपर में जो आपके जीके का पोर्शन रहता है, जनरल नॉलेज जैसे हम बोलते हैं दोस्तों, इसमें आपके क्वेश्चन होते हैं 100, 250 में से 100 प्रश्न जो है फर्स्ट पेपर में आते हैं, ठीक है। बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें, ढंग से समझ लें। इस वीडियो को देखने के बाद आपको दूसरा वीडियो सेकंड ग्रेड के बारे में देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। 100 प्रश्न जो है फर्स्ट पेपर के अंदर आते हैं, जिसमें आपके 100 प्रश्नों का जो मार्किंग होता है, यानी जो अंक बटे होते हैं वो होते हैं 200 अंक, ठीक है। 100 प्रश्न होंगे, यानी एक क्वेश्चन 2 नंबरों का होगा, तो 100 प्रश्न कुल कितने अंकों के हो गए? 200, 200 अंकों के हो गए। ये आपको क्लियर हो गई होगी बात। अब देखिए 100 प्रश्नों का अगर मैं बंटवारा करूं, इस 100 प्रश्नों का अगर मैं बंटवारा करना चाहूं दोस्तों,
तो इसमें क्या होगा दोस्तों, एक तो आपकी आएगी राजस्थान जीके, कौन सी जीके आएगी, राजस्थान जीके। अब ये सीधी सी बात है कि हम कोई भी टीचर की एग्जाम दें या कोई सी भी ऐसे एग्जाम दें जो राजस्थान से संबंधित है, तो उसमें राजस्थान जीके का पोर्शन तो आता ही है। इसके अलावा आपके एक आएगी दोस्तों इंडिया एंड वर्ल्ड जीके, ठीक है, इंडिया और वर्ल्ड जीके भी आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर। और इसके अलावा अभी आप रीट के एग्जाम देकर आए हो, हम सभी ने रीट के एग्जाम दिए दोस्तों, तो उसमें आपने देखा होगा एक शिक्षा मनोविज्ञान का एक टॉपिक होता है पूरा का पूरा, बहुत बड़ी अपने को बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ने होते हैं, तो यहाँ भी शिक्षा मनोविज्ञान, लेकिन यहाँ शिक्षा मनोविज्ञान का परसेंटेज बहुत कम है, इसलिए ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है आपको क्लियर हो गई कि राजस्थान 100 प्रश्न जो है 200 अंकों के, वो राजस्थान जीके, इंडिया एंड वर्ल्ड जीके और शिक्षा मनोविज्ञान में बटे हुए होते हैं 200 अंक पूरे। अब राजस्थान जीके के कितने क्वेश्चन आएंगे ये भी हम देख लेते हैं, तो मैं एक बार पेन का कलर बदल लेता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए पूरी बात। राजस्थान जीके के दोस्तों आएंगे 50 क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन आएंगे 50 क्वेश्चन आएंगे। इस 50 क्वेश्चनों में क्या होगा दोस्तों, 10 क्वेश्चन तो होंगे समय सामयिकी, यानी कहने का मतलब करंट जीके, कौन सी जीके होगी, करंट जीके, जैसे राजस्थान के मुख्यमंत्री के बारे में पूछ लिया, राजस्थान के खेलों के बारे में पूछ लिया, राजस्थान का मुख्य सचिव पूछ लिया, कोई योजना चल रही है राजस्थान सरकार की, ठीक है, या कोई इकोनॉमिक्स का बजट वगैरह ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया। कहने का मतलब करंट जीके जो ताजा एग्जाम से 6 महीने 8 महीने पहले की जो जीके होती है करंट, उसके बारे में 10 क्वेश्चन के लगभग आता है, बाकी बचे 40 क्वेश्चन। इस 40 क्वेश्चन में आपको राजस्थान जीके का पोर्शन देखने को मिलेगा। तो जब मैं राजस्थान जीके का सिलेबस आपके सामने डिस्कस करूंगा सेकंड ग्रेड का पूरा, तो वहां बताऊंगा जैसे किले हो गए, जैसे त्योहार हो गए, जैसे आपका राजस्थानी साहित्य हो गया, इसके अलावा राजस्थानी दुर्ग हो गए, राजस्थानी जो मेले हो गए, है ना, चित्रकला हो गई, इन सबसे जो है क्वेश्चंस हैं वो आपको उठ के आएंगे राजस्थान जीके में, ठीक है, और भी सारी चीजें जो हम सिलेबस में डिस्कस करेंगे। अब तो ये अपने 50 क्वेश्चन का क्लियर हो गया आपके सामने, आशा है समझ में आ गया यहां तक। अब इंडिया और वर्ल्ड जीके जो है ये आपके 30 क्वेश्चंस जो है कवर करेगी दोस्तों, कितने क्वेश्चंस कवर करेगी, 30 क्वेश्चन जो है वो कवर करेगी, जिसमें आपका भारत और विश्व का जीके आ जाएगा, जिसमें आपका करंट इंडिया भी आ जाएगा, करंट का थोड़ा बहुत वर्ल्ड भी पूछ लेंगे वो, इसके अलावा इंडिया की ज्योग्राफी और वर्ल्ड की ज्योग्राफी भी आपको पूछेंगे, हिस्ट्री भी इसके अंदर आएगी, यानी अच्छा खासा मैटर जो है वो आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगर हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री के 4 या 5 सवाल से ज्यादा नहीं आते हैं दोस्तों, 4 या 5 सवाल से ज्यादा नहीं आते, इसलिए इंडियन हिस्ट्री की ज्यादा आपको हेडक नहीं लेनी है। बाकी आपको जो पॉलिटिकल है, यानी जो संविधान है, इसके अलावा इंडिया का जो ज्योग्राफी है, वर्ल्ड का जो ज्योग्राफी है, उसको अच्छा खासा कवर करना पड़ेगा, जिसके 25 क्वेश्चन के करीब आएंगे और 5 क्वेश्चन जो है ये आपके हिस्ट्री के रहेंगे। तो ये अभी तक का क्राइटेरिया है, 50 क्वेश्चन जो है राजस्थान जीके के हो चुके हैं और जो 30 क्वेश्चन है वो इंडिया और वर्ल्ड जीके के हो चुके हैं। अब बचे आपके, देखिए 100 प्रश्न थे, 50 ये हो गए, 30 ये हो गए, 50 और 30 कितने हो गए दोस्तों, 80 हो गए, बचे 20 क्वेश्चन। ये 20 क्वेश्चन जो है वो आपके शिक्षा मनोविज्ञान के रहेंगे, किसके रहेंगे, एजुकेशन साइकोलॉजी के रहेंगे, शिक्षा मनोविज्ञान के रहेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान के जो टॉपिक्स हैं वो आप जानते हैं कौन कौन से हैं, तो उनके बारे में ये 20 क्वेश्चन रहेंगे। और जब हम सिलेबस डिस्कस करेंगे तो एक एक टॉपिक को मैं बताऊंगा कि किस टॉपिक में कौन कौन सी चीजें आपको कवर करनी। अब आती है दोस्तों सेकेंड पेपर की बात, किसकी बात आती है, सेकेंड पेपर की बात आती है। तो सेकेंड पेपर जो है वो आपका सब्जेक्ट का होगा, जैसे जिन्होंने बीएससी किया उनके लिए साइंस सब्जेक्ट है, किसी का इंग्लिश से एमए है तो उसका इंग्लिश सब्जेक्ट आएगा, ठीक है, जिसका भी जो सब्जेक्ट है दोस्तों उसके लिए सेकंड पेपर होगा। और सेकंड पेपर कितने क्वेश्चन का होगा उसके बारे में हम बात करेंगे। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि सारा पेपर जो है दोस्तों वो जो है 500 अंकों का होगा, जिसमें 200 अंक जो है वो फर्स्ट पेपर में होंगे, और सेकंड पेपर जो है ये सेकंड पेपर जो होगा ये होगा कुल 300 अंकों का। कितने अंकों का होगा दोस्तों, कुल 300 अंकों का, और 300 अंकों की मार्किंग के लिए आपको क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे, 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चन पूछ जाएंगे दोस्तों, 150 क्वेश्चन पूछ जाएंगे, कहने का मतलब फर्स्ट पेपर में 100 क्वेश्चन आ गए 200 अंकों के, और सेकंड पेपर में 150 क्वेश्चन आ गए 300 अंकों के, ठीक है। तो इधर 200 हो गया और इधर जो है वो कितना हो गया, 300 हो गया। अब इस 300 अंकों का अगर मैं बंटवारा करूं, इन 150 क्वेश्चनों का अगर मैं बंटवारा करूं, तो देखिए किस तरीके से होगा, मैं आपको समझा देता हूं एक बार कि किस तरीके से आपके सब्जेक्ट आएगा। इसमें आपके 130 क्वेश्चन दोस्तों वो तो रहेंगे आपके सब्जेक्ट के, किसके रहेंगे, सब्जेक्ट के रहेंगे, 130, ये तो जो है आपके सब्जेक्ट के रहेंगे। और इसके अलावा जो 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन जो है वो टीचिंग मेथड के आएंगे, यानी आपके शिक्षण विधियों के आएंगे। रीट में भी आपने शिक्षण विधियां भी पढ़ी हैं दोस्तों, तो इतना ज्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाकी मैं जो इसका सिलेबस जो है वो भी चालू करूंगा,
आपके लिए वीडियोस लाऊंगा, तो वहां से भी हम कवर करेंगे। तो 130 क्वेश्चंस जो हैं वो तो आपके हो गए दोस्तों सब्जेक्ट के, जिसका भी जो सब्जेक्ट है, साइंस है या फिर हिस्ट्री है या फिर जो है आपका क्या बोलते हैं इंग्लिश है, जो भी सब्जेक्ट है। और 20 क्वेश्चंस जो है दोस्तों वो आपके रहेंगे शिक्षण विधियों के, टीचिंग मेथड के, तो ये भी आपको अच्छे से कवर करने हैं। अगर हम इस 130 क्वेश्चन की बात करें तो दोस्तों सेकंड ग्रेड का जो पेपर होता है, सेकंड ग्रेड के पेपर में 10वीं और 12वीं का स्तर बहुत ज्यादा रहता है, इसके बारे में ध्यान रखें आप। यानी सेकेंडरी स्तर और सीनियर सेकेंडरी स्तर इनका स्तर बहुत ज्यादा रहता है दोस्तों, और करीब इसमें आपके 90 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 130 क्वेश्चनों का अगर हम बंटवारा करूं तो 90 क्वेश्चन जो है सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्तर के आते हैं, ज्यादातर सीनियर सेकेंडरी यानी 12वीं के स्तर के आते हैं, जो आपके RBSC की और NCERT की बुक चलती है वहां से दोस्तों ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ये 90 क्वेश्चन जो है वो आपके 180 अंकों के होते हैं। कितने अंकों के होते हैं? 180 अंकों के होते हैं, जबकि बचे हमारे पास 40 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन बचे दोस्तों? 40 क्वेश्चन बचे। एक बार मैं इसको स्लाइड को थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। ये 40 क्वेश्चन जो है, ये 40 क्वेश्चन आपके स्नातक स्तर के होते हैं। कौन से स्तर के होते हैं? स्नातक स्तर के होते हैं, और ये कवर करते हैं दोस्तों 80 अंक। कितने अंक कवर करते हैं? 80 अंक। कहने का मतलब ये है दोस्तों, अगर आपने 11th और 12th क्लास का मटेरियल सब्जेक्ट का ढंग से तैयार कर लिया तो आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। अगर आपने फर्स्ट पेपर में GK को कवर किया और सेकंड पेपर में आपका 11th 12th क्लास का अगर मजबूत है, स्नातक का थोड़ा वीक भी है तो भी आपका चलेगा, क्योंकि दोस्तों 90 क्वेश्चन तो 11th 12th ही देके जा रहा है आपको, 10वीं 11वीं और 12वीं। बेसिकली तो 11वीं 12वीं का सेकेंडरी स्तर, 10वीं का थोड़े बहुत क्वेश्चन आते हैं, 8-10 क्वेश्चन आते हैं, 90 में ज्यादा नहीं आते। मेन जो है वो 11वीं 12वीं लेवल का है, ठीक है? तो 90 क्वेश्चन 180 अंक देंगे आपको, और 40 क्वेश्चन जो है स्नातक स्तर के ग्रेजुएट लेवल में आपने जो पढ़ा है BSc या BA में फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर में, वो 80 क्वेश्चन आपको देके जाएगा। तो ये पूरा जो है, ये पूरा आपको मैंने बताया दोस्तों, ये पूरा सेकेंड ग्रेड का पैटर्न है मेरे हिसाब से। मुझे आशा है कि आपको बिल्कुल, आशा नहीं भरोसा है कि आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। एक बार फिर रिपीट कर देता हूं आपके लिए कि सेकेंड ग्रेड जो है वो 250 क्वेश्चन जो है अपने को पेपर में देगा, जिनके 500 अंक होंगे। सेकेंड ग्रेड में दो पेपर आएंगे, फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर। फर्स्ट पेपर जो है दोस्तों वो GK का होगा, सेकेंड पेपर जो है वो दोस्तों सब्जेक्ट का होगा। सब्जेक्ट अपने हिसाब से सबके जो भी ग्रेजुएशन में होते हैं वो उनके हिसाब से वो ले लेंगे। फर्स्ट पेपर में आपके 100 प्रश्न जो है वो 200 अंकों के होंगे GK के, जिसमें राजस्थान GK आपसे पूछी जाएगी, मैंने भी आपको बताया, इंडिया और वर्ल्ड GK पूछी जाएगी, और इसके अलावा शिक्षा मनोविज्ञान भी पूछी जाएगी। क्वेश्चन का बंटवारा मैंने आपको बता ही दिया। उसके अलावा यहां सेकंड पेपर में सब्जेक्ट के 300 अंकों के 150 सवाल आएंगे, यानी 150 क्वेश्चन और 300 अंकों की मार्किंग, जिसमें 130 जो क्वेश्चन है वो सब्जेक्ट के होंगे और 20 क्वेश्चन शिक्षण विधियों के होंगे। सीनियर सेकेंडरी स्तर का जो है वो लेवल बहुत अच्छा रहेगा, बहुत ज्यादा रहेगा पेपर में, इसलिए इसको कवर करना बहुत जरूरी है। और मैं आपको बता दूं, वैकेंसी का कतई इंतजार मत कीजिए दोस्तों, क्योंकि वैकेंसी जल्द आने वाली है, और वैकेंसी का जो इंतजार करते हैं वो दोस्तों फिर उनकी तैयारी धरी रह जाती है, और फिर वो लास्ट टाइम में भाग दौड़ करते हैं, लास्ट टाइम में कोचिंग करते हैं, उनका कोर्स भी पूरा नहीं हो पाता है। आपको कोचिंगों का हाल भी मालूम है, किस तरीके से कोर्स को जल्दी जल्दी कवर कराते हैं जब वैकेंसी आ जाती है। तो वैकेंसी आने से 15-20 दिन 25 दिन पहले ही आप प्रिपरेशन अगर स्टार्ट कर देंगे तो दोस्तों आपका बेसिक जो है बहुत मजबूत हो जाएगा। बाकी वीडियो आपको कैसा लगे नीचे कमेंट में जरूर मुझे बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा, जो भी आपका सुझाव है वो मुझे बताएं, और इसके बाद आप कौन सा वीडियो चाहते हैं सेकंड ग्रेड के बारे में वो भी आप मुझे एक बार कमेंट में जरूर बताएं, ताकि मुझे मोटिवेशन भी मिलेगा और मुझे पता भी लगेगा कि आपकी अगली मंशा वीडियो के बारे में क्या है। तो दोस्तों आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार, सभी को शुभ रात्रि।